कर्नाटक का मैसूर शहर जो अपनी शाही विरासत, रेशमी साड़ियों, मैसूर पाक और मसाला डोसा जैसे खानपान के लिए जाना जाता है, इसी मैसूर शहर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक 8/11 की सर्जिकल स्ट्राइक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल जब मैसूर के लोग आधी रात को बिस्तर पर गहरी नींद का मजा ले रहे होते थे, तब मैसूर हवाई अड्डे से एक चार्टर्ड प्लेन बिना किसी की नजर में आए बीते 6 महीनों से मैसूर की सरकारी प्रेस से 2000 के नए नोट दिल्ली, मुंबई समेत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं को पहुँचाता था। महीनों की योजनाबद्ध तैयारियों के बाद ही इसे अंजाम दिया जा सका। जहां इस योजना के बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी थी, वहीं इस काम को बेहद गुपचुप ढंग से पूरा किया गया। मैसूर से चार्टर्ड प्लेन की उड़ानें बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में थी, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि फ्लाइट किस काम के लिए है। यहाँ तक कि मंदाकल्ली के छोटे हवाई अड्डे तक के स्टाफ तक को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बस वो विमान की लैंडिंग देखते थे, जिसमें से कोई भी बाहर नहीं आता था। इसके बाद विमान में से नोटों के बक्से ट्रकों में लाद दिए जाते थे और थोड़ी देर बाद विमान उड़ जाता था। दरअसल मैसूर में भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहां नोटों की छपाई का काम 6 महीने पहले शुरू हो चुका था। किसी को कान खबर नहीं हुई कि क्या होने जा रहा है। इस जगह के लिए अलग से रेलवे लाइन और वाटर सप्लाई पाइपलाइन है। ये प्रेस करीब 2 दशक पुराना है। इसे दुनिया के बेहतरीन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में शुमार किया जाता है। 1000 के पुराने नोट भी यहीं पर छपे थे। इस प्रेस के अंदर ही करेंसी पेपर तैयार करने की यूनिट है। नोटों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला खास कागज यहीं पर तैयार होता है। इस पूरी योजना में मैसूर एयरपोर्ट की बेहद अहम भूमिका रही। बीते कुछ सालों में मैसूर एयरपोर्ट उपेक्षाओं का शिकार रहा है। यहाँ एक सिंगल रनवे है। हालांकि ये इकलौता रनवे पूरे देश को झकझोरने वाले नीतिगत फैसले को अमल में लाने का रास्ता बना। मंदाकली स्थित मैसूर एयरपोर्ट को काफी उम्मीदों के साथ बनाया और शुरू किया गया। 35,000 वर्ग फीट में फैले इस एयरपोर्ट को 82 करोड़